रामपुर नामक गांव में स्वीटी अपनी दो बहनें और अपनी माँ सुशीला और पिता कमलेश के साथ रहती थी। उसके पिता कमलेश आए दिन नशे में डूबे रहते थे। ऐसे में घर का खर्चा चलाने के लिए सुशीला लोगों के घरों में नौकरानी का काम करना शुरू कर देती है। तब जाकर उस गरीब के घर का चूल्हा जलता था। वो अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए खुद भूखी रह जाती थी। समय पर खाना ना खाने की वजह से सुशीला बीमार रहने लगी। उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे पा रहा था, जिस वजह से वो बिस्तर पकड़ लेती है। अब घर की सारी जिम्मेदारी 18 साल की स्वीटी पर आ जाती है। कहते हैं भगवान जब किसी को गरीब बनाता है तो उसे कोई न कोई गुण जरूर देता है। स्वीटी को सिलाई बुनाई का काम बहुत अच्छे से करना आता था, इसलिए उसने घर पर ही एक छोटा सा बुटीक खोल लिया था। एक दिन स्वीटी के बुटीक में उसकी बचपन की सहेली दिशा आती है और स्वीटी से कहती है, अरे स्वीटी कैसी है? अरे दिशा तू कब आई? आज सुबह ही शहर से वापस लौटी हूँ, कल तक फिर वापस चली जाऊंगी, इसलिए सोची कि आज तुमसे मिल लूँ। ये तो तूने बहुत अच्छा किया दिशा, आ बैठ मेरे पास। क्या बात है स्वीटी, तूने तो अपने घर को ही बुटीक बना लिया है। क्या करूं यार, पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तेरे इस गरीब बुटीक में कौन सा ग्राहक आएगा? और अगर तू ऐसे ही ओल्ड फैशन ड्रेस स्टिच करेगी तो कौन तुझसे अपने कपड़े सिलवाएगा? आजकल सब न्यू फैशन ढूंढते हैं, इसलिए मेरी बात मान और तो ट्रेंड के हिसाब से कपड़े स्टिच किया कर। अच्छा चल, अब मैं घर चलती हूँ। इतना कहकर दिशा वहाँ से चली जाती है। दिशा की बातें स्वीटी को सोचने पर मजबूर कर देती है। दिशा ठीक कह रही है, तभी मेरे बुटीक पर कोई ग्राहक नहीं आता जल्दी, इस बारे में मुझे सोचना चाहिए। फिर एक दिन जब स्वीटी अपने बुटीक का सामान लेने के लिए बाजार जाती है तो वहाँ एक बुटीक की शॉप देखती है, जहाँ कई सारे फैशनेबल ड्रेस शोपीस में लगे हुए थे, जैसे बैकलेस ब्लाउज, फैशनेबल सूट, गाउन और भी बहुत कुछ। ये सब देखकर स्वीटी सोचती है, अगर मैं इस टाइप के कपड़े सिलूंगी तो शायद मेरा बुटीक चल जाएगा। फिर स्वीटी ऐसे कपड़े सिलने के लिए बाजार से सामान खरीद लेती है और घर आ जाती है और कपड़े सिलने लगती है। लेकिन सिलाई मशीन अत्यधिक पुराना होने के कारण वो कपड़े पर ठीक से सिलाई नहीं कर पाता है और बार बार सिलाई मशीन की सुई भी टूट जाती है, जिस वजह से स्वीटी बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। मेरी एक यही उम्मीद थी जो कि टूट गई। मैंने एक एक पैसा बचाया था और जिससे ये कपड़े खरीदे, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। ये सिलाई मशीन ही मेरा साथ नहीं दे रहा। अब मैं क्या करूँगी? अपनी दोनों बहनों को क्या खिलाऊंगी? माँ की दवाई कहाँ से लाऊंगी? तभी वहाँ स्वीटी की दो छोटी बहनें तारा और सितारा स्वीटी के पास आती हैं और कहती हैं, दीदी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, खाना बना दो ना। हाँ दीदी, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, हमारे लिए कुछ बना दो ना। ठीक है, मैं देखती हूँ कुछ। स्वीटी किचन में जाती है और आटे का डब्बा खोलती है, जिसके अंदर थोड़ा सा आटा बचा हुआ होता है। स्वीटी जल्दी से उन आटे को सान कर अपनी दोनों बहनों के लिए रोटी बना देती है और अपनी दोनों बहनों को खाने के लिए दे देती है। ये लो तारा और सितारा, रोटी खा लो। क्या दीदी, ये भी कोई खाना है क्या? सिर्फ सादी रोटी, इसके साथ कोई तो सब्जी होनी चाहिए थी ना। मेरी बहनों, मेरे पास सब्जी खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे थे, बस आज के लिए ये खा लो, मैं कल से तुम्हारे लिए सब्जी भी बनाया करूँगी। स्वीटी की दोनों बहनें वो सूखी रोटी खाकर सो जाती हैं। उनमें से स्वीटी एक रोटी अपनी माँ को भी खिलाती है और खुद भूखी रह जाती है। सबको खाना खिलाने के बाद स्वीटी सिलाई मशीन पर उम्मीद लगाए बैठ जाती है और कपड़े फिर से सिलने लगती है, परंतु सिलाई मशीन स्वीटी का बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? स्वीटी बहुत ही परेशान हो जाती है। तभी रात के 12 बजे स्वीटी के पिता कमलेश नशे में धुत घर आता है। उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा शराब की गंदी बदबू आ रही थी। वो नशे में चूर अपनी बेटी से कहता है, ए बेटी जल्दी से आज की सिलाई के पैसे दे मुझे, मैं बोल रहा हूँ ना, जल्दी से पैसे दे, निकाल पैसे। पिताजी आपको शर्म नहीं आती? आप इस तरह से नशे में चूर होकर मेरे से पैसे मांग रहे हो? अगर मेरे पास एक रुपया भी होता तब भी मैं आपको नहीं देती। क्या बोली, तू मुझे पैसे नहीं देगी? रुक जा तू, मैं बताता हूँ तुझे, पैसे नहीं देगी बोलती है।
इतना कहकर कमलेश नशे में स्वीटी की सिलाई मशीन उठाता है और तोड़ देता है और उसके बुटीक को तहस नहस कर देता है और वहाँ से चला जाता है। स्वीटी बहुत रोती है। इन शोर शराबों से सब उठ जाते हैं। स्वीटी की माँ सुशीला स्वीटी को अपने पास बुलाती है और कहती है, मत रो बेटी, चुप हो जा। ये सब देखने से पहले ऊपर वाला मुझे उठा लेता। कैसी जिंदगी दी है भगवान ने, उनको जरा भी हम पर रहम नहीं आता। ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? ऐसा क्यों कहती हो माँ? आप तो मेरी हिम्मत हो, पर आप चिंता मत करो, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं हार नहीं मानूंगी। अब तो मेरी सिलाई मशीन रही नहीं, वैसे भी मेरा बुटीक ज्यादा नहीं चलता था, इसलिए अब मैं कल कोई नौकरी ढूंढने जाऊंगी। घर पर तारा और सितारा आपका ध्यान रखेंगी, अब आप सो जाओ माँ। फिर अगली सुबह होते ही स्वीटी सुबह सवेरे घर से काम की तलाश में निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़े आदमी बेहोश पड़े मिलते हैं। अरे ये क्या, इन बाबा की हालत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। स्वीटी उन बूढ़े बाबा के मुंह पर पानी की छींटे मारती है और उन्हें होश में लाती है और उन बाबा को पानी पिलाती है। बाबा आप ठीक तो है ना? हाँ बेटी, तुम्हारी मदद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना बोलकर बाबा एक सुंदर सी परी में बदल जाते हैं। ये देखकर स्वीटी एक पल के लिए घबरा जाती है। घबराओ मत स्वीटी, मैं तो बस तुम्हें परख रही थी। तुम्हें पता है ना कि परियां सबकी मदद करती हैं, तो मैं तुम्हारी भी मदद करूंगी। बताओ तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? परी की बात सुनकर स्वीटी रोते हुए परी को सारी बात बताती है और ये भी बताती है कि वो आज काम की तलाश में निकली थी। स्वीटी की बात सुनकर परी कहती है, वाकई में तुम्हारे जीवन में तो बहुत दुख है, पर मुझे तुम्हारी हिम्मत की सराहना करनी पड़ेगी। इतनी मुश्किल हालातों में भी तुमने हिम्मत नहीं हारी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। फिर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और स्वीटी के हाथों में एक चमचमाती सी जादुई सिलाई मशीन आ जाती है। स्वीटी ये एक जादुई सिलाई मशीन है, इसे तुम अपने घर ले जाओ, फिर देखना इसका कमाल, इससे तुम्हारे घर की काया पलट ही हो जाएगी। स्वीटी परी का धन्यवाद करती है। परी वहाँ से उड़ जाती है और स्वीटी खुश होकर अपने घर को लौट आती है और उस सिलाई मशीन को घर में रखते ही परी के कहे अनुसार उसका घर एक जादुई बुटीक में बदल जाता है, जहाँ अचानक बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े उसके बुटीक की शोभा बढ़ा रहे थे। अरे वाह, उस परी की कही हुई बातें तो सच हो गई, मेरा बुटीक तो जादुई बुटीक में बदल गया। मुझे लगता है कि ये सिलाई मशीन से मैं जो कहूँगी, ये सिलाई मशीन मेरे कहने पर ही कपड़े खुद सिल देगा। एक बार इसे जांच कर देखती हूँ। हे जादुई सिलाई मशीन, मैं चाहती हूँ कि मेरी बुटीक में बहुत सारे फैशनेबल लहंगे हो। स्वीटी के इतना कहते ही सिलाई मशीन चलने लगता है और अपने आप ही उस सिलाई मशीन से बहुत ही सुंदर सुंदर लहंगे सिलने लगते हैं। बहुत सारे लहंगे सिलकर अपने आप ही हैंगर पर टंग जाते हैं। ये देखकर स्वीटी की खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर स्वीटी ने अपने घर के बाहर स्वीटी की बुटीक के नाम का बोर्ड लगा दिया और अपने घर के बाहर कुछ लहंगे टांग दिए, जिन्हें देखकर ग्राहक लहंगे की ओर आकर्षित होकर स्वीटी के बुटीक में आने लगे। अब स्वीटी का बुटीक चलने लगा। फिर एक दिन स्वीटी के बुटीक में दो मॉडल लड़कियां आती है और कहती है, वाओ तुम्हारे बुटीक में कितने सारे ट्रेंडिंग आउटफिट्स हैं। ये मेरी सहेली कीर्ति है, कुछ दिन में इसकी शादी होने वाली है। इसको बहुत ही सुंदर लहंगा चाहिए और मुझे शरारा। अपने ड्रेस हम तुम्हारे बुटीक से सिलाई कराना चाहते हैं। शरारा सुनकर स्वीटी सोचती है, अरे मैंने तो कभी शरारा सिला ही नहीं, पर कोई बात नहीं, मेरे पास तो जादुई सिलाई मशीन है ना, उससे काम हो जाएगा। हाँ ठीक है, आप दोनों के कपड़े समय पर आप लोगों को तैयार मिलेंगे। ठीक है, ये लो कुछ एडवांस पैसे। इतना कहकर दोनों लड़कियां चली जाती हैं। दोनों लड़कियों के जाने के बाद स्वीटी अपने सिलाई मशीन से कहती है, हे मेरे जादुई सिलाई मशीन, मेरा ये बुटीक तुम्हारे बदौलत है, मुझे बहुत ही सुंदर सा लहंगा और एक शरारा चाहिए। तभी जादुई सिलाई मशीन सुंदर सा लहंगा और शरारा सिलकर तैयार कर देता है। फिर कुछ दिनों बाद दोनों लड़कियां उसके बुटीक पर आती है और अपना लहंगा और शरारा देखकर बहुत खुश हो जाती है। ओ माय गॉड स्वीटी, यू आर वेरी टैलेंटेड, कितना प्यारा शरारा और लहंगा सिला है तुमने।
हाँ स्वीटी, आई लव दिस लहंगा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अब से हमारी फैमिली में जो भी फंक्शन हो उसमें हम तुमसे ही ड्रेस सिलवाया करेंगे। अब स्वीटी का बुटीक बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है। दूर दूर से लोग उसके बुटीक में कपड़े सिलवाने आने लगते हैं। अब स्वीटी बहुत ही अच्छे खासे पैसे कमाने लगी। उन पैसों से स्वीटी ने अपनी माँ का एक बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाया और अपने पिता को 3 महीने के लिए नशा मुक्ति केंद्र में डलवा दिया और अपनी दोनों बहनों का बहुत ही अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया। अब स्वीटी के घर के हालात सुधर चुके थे। उसकी माँ अब बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसके पिता भी 3 महीने बाद घर लौट आते हैं। अब उसके पिता की भी नशे की हालत छूट चुकी थी। फिर एक दिन सुशीला स्वीटी से कहती है, बेटी तूने हमारे लिए बहुत कर लिया, अब एक न एक दिन तो तुझे अपनी दुनिया बसानी ही है, इसलिए मैंने और तेरे पिता ने मिलकर तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। ठीक है माँ, आप लोगों ने मेरा रिश्ता देखा है तो अच्छा ही देखा होगा। फिर कुछ दिनों बाद स्वीटी की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। अब उसकी शादी में बस एक दिन बचे थे। स्वीटी अपनी सिलाई मशीन के पास आती है और नम आंखों के साथ कहती है, हे मेरी जादुई सिलाई मशीन, आज मेरा ये आखिरी दिन है, मेरी शादी के लिए मुझे एक सुंदर सा लहंगा दे दो। स्वीटी के इतना कहते ही उसके जादुई सिलाई मशीन में एक चमक उठती है और बहुत ही सुंदर सा लहंगा सिलकर तैयार हो जाता है। माँ कल मैं इस घर से विदा हो जाऊंगी, मेरे इस सिलाई मशीन को संभाल कर रखना, आज हमारे घर की हालत सुधर पाई है तो इस सिलाई मशीन की बदौलत। फिर अगले दिन स्वीटी की बहुत ही धूमधाम से शादी हो जाती है और सभी लोग स्वीटी की इतनी धूमधाम से शादी होते देख दंग रह जाते हैं। और ये वही लोग थे जो एक दिन स्वीटी के बुटीक का मजाक उड़ाते थे। पूर्वी अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ रीता कई महीनों से बीमार थी, यहाँ तक कि डॉक्टर ने रीता को बोल दिया था कि 2 महीने के अंदर अंदर उसकी मौत हो जाएगी। जैसे ही रीता को ये बात पता चलती है वो पूर्वी से कहती है, पूर्वी मैं आजकल ज्यादा बीमार रहने लगी हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो तू अपने चाचा जी के घर चली जाइयो। माँ आप ये कैसी बातें कर रही हो, आपको कुछ नहीं होगा। आज डॉक्टर ने मुझे बोल दिया है कि 2 महीने के अंदर अंदर मेरी मौत हो जाएगी। हम तो जैसे तैसे अपना पेट भर लेते हैं, इलाज कैसे करवा पाएंगे। तेरे चाचा जी बहुत अच्छे हैं, वो तुझे अपने घर में जरूर रखेंगे। और हाँ मैं अच्छे से जानती हूँ, इस गांव की लड़कियाँ तेरे काले रंग की वजह से तेरा बहुत मजाक बनाते हैं। अरे माँ मैं उन लड़कियों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। पर है तो बच्चे ही ना, क्या पता कभी तुझे उनकी बात बुरी लग जाए। मेरे जाने के बाद तो गांव में किसी से भी बात मत करियो। इसी तरह 1 महीने बीत जाते हैं। तभी एक दिन रीता की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और उसी वक्त उसकी जान निकल जाती है। माँ आखिरकार आप मुझे अकेले छोड़कर चली गई, एक आप ही तो मेरी सहारा थी और अब आप भी मुझे छोड़कर चली गई, हर बार मैं ऐसे अकेले क्यों रह जाती हूँ। रोते रोते पूर्वी थोड़ी देर बाद अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देती है। 2 दिन तक तो उसका रो रो कर बुरा हाल था। तभी उसके पड़ोस में रहने वाली एक औरत उसके घर आती है। पूर्वी बेटा मैं जानती हूँ तेरे लिए ये बहुत दुख का समय है, लेकिन तू खुद सोच, अगर तेरी माँ तुझे इस तरह रोते हुए देखती तो क्या उन्हें अच्छा लगता। तू खुद को संभाल, ये जीवन है, कैसी भी करके इसे जीना ही होता है। कुछ देर तक वो औरत पूर्वी को समझाती है और फिर अपने घर वापस चली जाती है। उसके जाने के बाद पूर्वी सोचती है, माँ ने मुझे कहा था कि उनके जाने के बाद मुझे चाचा जी के घर जाना है, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। अभी थोड़े से पैसे हैं, उससे खाने का जुगाड़ कर लूँगी, तब तक कोई काम ढूँढ लेती हूँ। पूर्वी थोड़े से पैसों से घर का राशन ले आती है और खुद काम ढूँढने बाहर चली जाती है। पूर्वी अभी छोटी थी इसलिए उसे कोई भी अपने दुकान पर काम पर नहीं रख रहा था। काका आपके दुकान में काम है तो मुझे रख लो। अरे नहीं, तुझे मैं अपनी दुकान में काम पर नहीं रखूंगा। क्यों, क्या हो गया काका? आपको तो पता ही है मुझे काम की सख्त जरूरत है। तुझे अपनी दुकान में काम पर रखकर मुझे जेल नहीं जाना है, तू अभी 18 साल से कम है,
अगर किसी ने भी पुलिस को ये बात बताई तो मुझे जेल हो जाएगी। इस तरह पूर्वी को कहीं काम नहीं मिलता है और ना चाहते हुए कुछ दिनों बाद उसे अपने चाचा चाची के घर जाना ही पड़ता है। पूर्वी अपने चाचा को सारी बातें बताती है। हाँ, मुझे ये बात पता चली थी, लेकिन मैं गांव में नहीं था जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया। तेरी चाची थी लेकिन पता नहीं क्यों ये गई ही नहीं। क्यों जाऊं मैं इसके घर? आज से कई सालों पहले जब मैं वहां से निकली थी तो मैंने सोच लिया था कि कभी वहां वापस नहीं जाऊंगी। तुम तो पुरानी बात भूलना ही नहीं चाहती हो। ऐसे कैसे भूल जाऊं? चुप हो जाओ, तुम्हारी वही घिसी पिटी बातें सुनने का मुझे कोई शौक नहीं है। फिलहाल मैं यही कहूँगा कि पूर्वी को हमारी जरूरत है और वो यहीं रहेगी। अपने पति के इतना कहते ही रेखा भड़क जाती है और बोलती है, अरे पागल हो गए हो क्या? जब इसके परिवार से हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं तो इससे मेरा क्या रिश्ता है जो मैं इसे अपने घर में रख लूं? अरे रेखा, अभी ये छोटी बच्ची है, बच्चों से क्या दुश्मनी निकाल रही हो? ऐसे अकेले कहाँ रहेगी? ये सही है, कोई भी मुंह उठा कर आए और उसे मैं अपने घर में रख लूं। अरे इसकी शक्ल तो देखो, मेरी सहेलियों ने इसे देखा तो मेरा कितना मजाक बनाएगी। कतई नहीं, ये यहाँ कतई नहीं रहेगी। रेखा बस अब तुम बहुत बोल चुकी हो, तुम्हारी सहेलियों की मुझे कुछ नहीं पड़ी है। अब उनके बारे में सोचकर मैं फैसला करूँगा। ये घर मेरे पैसों से चलता है और मैंने फैसला ले लिया है कि पूर्वी इसी घर में रहेगी। वैसे भी मैं अभी काम के सिलसिले से शहर जा रहा हूँ, इसलिए मेरा मूड मत खराब करो। अगले दिन पूर्वी के चाचा शहर चले जाते हैं। रेखा चाहकर भी पूर्वी को घर से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। रेखा की खुद की बेटी भी थी जिसका नाम जियाना था। जियाना अपनी माँ की तरह ही घमंडी और बदतमीज थी। अपने पति के जाने के बाद रेखा पूर्वी को एक तमाचा लगाती है और बोलती है, काली तेरे पैदा होते ही तेरा बाप मर गया और अब तेरी माँ मेरे घर में क्या मनहूसियत फैलाने आई है? आज से पहले कभी भी जियाना के पापा ने मुझसे इस तरीके से बात नहीं की है और तेरी वजह से ये कसर भी पूरी हो गई। तेरा इस घर में जीना हराम ना कर दिया तो मेरा नाम भी रेखा नहीं। देख कैसे तो खुद निकलेगी मेरे घर से। चल अब अपनी गंदी शक्ल लेकर मेरे सामने खड़ी मत रह। किचन में जाकर बर्तन धो, उसके बाद बाथरूम में रखे कपड़े भी धो दियो। ठीक है चाची जी, आज से घर के सारे काम मैं कर दूंगी। आपने मुझे अपने घर में रहने की इजाज़त दी, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। ओ हेलो, दो टके की काली नौकरानी, मेरे सामने ज्यादा मीठी मीठी बातें मत कर। और हाँ, मुझे चाची बोलने की जरूरत नहीं है, इस घर में एक नौकरानी की हैसियत से रह रही है, समझ गई? पूर्वी रेखा की बात सुनकर निराश होती है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप घर के सारे कामों में लग जाती है। पूर्वी किचन की सफाई कर रही थी तभी उसका ध्यान किसी दूसरी जगह जाता है और उसके हाथ से तेल की बोतल गिर जाती है, जिसकी वजह से फर्श पर तेल गिर जाता है। जियाना ये सब देख लेती है और वो रेखा को जाकर बता देती है। रेखा गुस्से से किचन में आती है। कल्लो, पहले दिन ही तूने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया, तुझे अंदाजा भी है महंगाई कितनी बढ़ गई है? कल ही मैं इतना महंगा तेल लेकर आई थी, तेरा ध्यान किधर था? आज तो मैं तुझे नहीं पीट रही हूँ, लेकिन आज के बाद तूने मेरा नुकसान किया तो तेरी हड्डियाँ तोड़ दूंगी। ठीक है, अब मैं आगे से ध्यान रखूंगी। वैसे घर का सारा काम हो गया है, आप मुझे खाने के लिए दे दीजिए। एक तो तूने अभी मेरा नुकसान किया और ऊपर से चाहती है कि मैं तुझे खाना दूं? भूल जा। लेकिन मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। तुझे अभी का बनाया हुआ खाना तो नहीं मिलेगा, कल रात की रोटी पड़ी है, जाकर खा ले। इतना बोलकर रेखा वहाँ से चली जाती है और पूर्वी रात की पड़ी हुई रोटी नमक के साथ खा लेती है। इस तरह रेखा पूर्वी पर बहुत अत्याचार करती है। बढ़ते समय के साथ रेखा का अत्याचार और बढ़ता जा रहा था। पूर्वी को बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि ये घर छोड़कर उसे रहने का कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। एक दिन पूर्वी देखती है कि रेखा की बेटी जियाना रेखा की तिजोरी से बहुत सारे पैसे लेकर कहीं बाहर जा रही थी। अरे जियाना दीदी, आप चाची की तिजोरी से इतने सारे पैसे लेकर कहाँ जा रही हो? ओए कल्लो नौकरानी, अपने काम पर ध्यान दिया कर। मेरे से ज्यादा बकवास की ना तो एक थप्पड़ में सही कर दूंगी। मेरे से सवाल करने वाली तो कोई नहीं होती यहाँ पर। मेरी मम्मी के पैसे हैं, मैं इनका कुछ भी करूँ, तुझे क्या? इतना बोलकर जियाना वहाँ से चली जाती है। रात को रेखा अपनी तिजोरी में जाकर देखती है और उसे पैसे नहीं मिलते। ये देखकर रेखा को बहुत गुस्सा आता है और वो पूर्वी पर शक कर लेती है। नौकरानी, घर की सफाई करते करते मेरी तिजोरी की सफाई भी करने लग गई है।
सच सच बता दे, मेरे पैसे चोरी करके कहाँ रखे हैं? झाड़ू पोछा करने के लिए तो मेरे रूम में आती है, और मुझे पता है कि पैसे भी तूने ही चुराए हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने जियाना दीदी को आपकी तिजोरी से पैसे निकालते हुए देखा था। उसी वक्त जियाना दोस्तों के साथ पार्टी करके घर आ गई और उसने सारी बातें सुन लिया। देखो मम्मी, ये काली नौकरानी कैसे आपकी बेटी पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। इससे पहले कि ये घर में और चोरी करे, आप अभी के अभी इसे हमारे घर से निकाल दो। तेरी हिम्मत कैसे हुई खुद चोरी करके मेरी बेटी पर इल्जाम लगाने की? जियाना बिल्कुल सही कह रही है, मेरी बेटी के पास पैसों की कमी है जो वो पैसे चोरी करेगी। तुझ भिखारी ने चोरी किया होगा, तूने अपनी जिंदगी में इतने सारे पैसे तो देखे नहीं होंगे, इसलिए चोरी कर लिए। उसके बाद रेखा पूर्वी को घर से धक्के मारकर निकाल देती है। रात का अंधेरा हो रहा था, पूर्वी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। रात को पूर्वी सड़क के एक कोने में बैठ जाती है। माँ, आपने मुझे चाचा जी के घर आने के लिए क्यों कहा? मैं जानती हूँ अगर चाचा जी होते तो चाची मेरे साथ ये सब कभी नहीं कर पाती, लेकिन जब वो खुद काम की वजह से शहर में रहते हैं तो मैं यहाँ कैसे अच्छे से रह सकती हूँ? आपको पहले से ही पता होगा कि चाची कैसी हैं। इससे अच्छा होता कि मैं कुछ दिनों तक भूखे रहकर मर जाती। पूर्वी रो रही होती है, तभी उसे एक आवाज आती है। वो आवाज एक परी की थी। ऐसी बातें मत करो, जीवन सबका अधिकार है, बस फर्क इतना है कि कोई पैदा होते ही हंसी खुशी रहने लगता है और किसी को अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखने पड़ते हैं। आवाज़ सुनकर पूर्वी पीछे मुड़ती है और उसे परी नजर आती है। आपको तो मैंने किताबों में देखा है। हाँ, कई बच्चों को परियों के बारे में किताबों में जानने को मिलता है, लेकिन मैं अच्छे लोगों को ही नजर आती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो, मैंने रोते हुए तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, अब मैं तुम्हारे जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आने दूंगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, फिर मैं खुशी से कैसे रह सकती हूँ? मेरी इतनी उम्र भी नहीं जो कोई मुझे काम पर रख ले। पूर्वी ये सब बोली रही थी कि परी वहाँ पर एक खूबसूरत ड्रेस प्रकट कर देती है। पूर्वी की नज़र ड्रेस की खूबसूरती से हटी नहीं रही थी। ये ड्रेस तुम्हारा है, तुम इसे पहन लो और इसे जो चाहो मांग लेना। उसके बाद परी वहाँ से चली जाती है। पूर्वी अपने पहले वाले घर में जाती है और सबसे पहले ड्रेस से खाना मांगती है। खाना आ जाता है और वो खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह पूर्वी जादुई ड्रेस से बोलती है। जादुई ड्रेस, मुझे घर के राशन के लिए कुछ पैसे चाहिए। वहाँ बहुत सारा पैसा आ जाता है और पूर्वी घर का राशन ले आती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन पूर्वी सोचती है, ये ड्रेस जादुई है और दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही है, मैं इसे एक बार पहन कर देखना चाहती हूँ। उसके बाद पूर्वी जादुई ड्रेस पहन लेती है। जादुई ड्रेस पहनते ही पूर्वी परियों की तरह खूबसूरत हो जाती है। अपना नया रूप देख पूर्वी बहुत खुश होती है। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और पूर्वी जादुई ड्रेस की मदद से अपना एक दुकान खोल लेती है। गांव के सभी लोग पूर्वी के दुकान से ही सामान लेते थे, इस वजह से उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा था। इसी तरह पूर्वी की जिंदगी में सब हंसी खुशी चल रहा होता है। तभी एक दिन रेखा पूर्वी के गांव में अपने एक रिश्तेदार से मिलने आई थी और सबके मुंह से पूर्वी की तारीफ सुनकर हैरान रह जाती है। पहले तो सबकी बातें सुनकर रेखा को विश्वास नहीं होता है कि पूर्वी अपने दुकान से इतनी अमीर हो गई है, लेकिन जब वो अपने आंखों से पूर्वी की दुकान देखती है तो उसे यकीन करना पड़ता है। अरे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही गरीब है जो रहने के ठिकाने के लिए मेरे घर पर आई थी और आज अपने नाम से इतना बड़ा दुकान चलाती है। अचानक इसके पास खुद का दुकान खोलने के पैसे कहाँ से आए? और मैंने सुना है कि पूर्वी का घर भी बहुत बड़ा है, इसके घर जाकर देखती हूँ। रेखा गांव के किसी औरत से पूर्वी के घर का पता मांगती है और उसके घर जाती है। रेखा पूर्वी के घर में ताक झांक करने लगती है और उसे जादुई ड्रेस के बारे में पता चल जाता है। अच्छा, तो ये बात है। थोड़ी देर बाद जैसे ही ये लड़की अपने दुकान वापस जाएगी, मैं जादुई ड्रेस से बहुत सारे सोने के सिक्के मांगूंगी। थोड़ी देर बाद पूर्वी घर से बाहर जाती है, रेखा उसके घर के अंदर जाती है। जादुई ड्रेस, मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के दे दो।
मूर्ख औरत, तुझे क्या लगता है कि पूर्वी अपना घर का गुजारा मेरी मदद से करती है? मैंने उसकी मदद बस दो बार की और उसके बाद से उसने सब कुछ अपने दम पर किया है, और तू आ गई मेरे से भीख मांगने? मैं तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर जादू ड्रेस वहाँ एक सांप ले आता है। सांप देखकर रेखा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। उस दिन के बाद से रेखा कभी भी उस गांव में नहीं आती है। इस तरह रेखा को उसके किए की सजा मिल जाती है और पूर्वी फिर से हंसी खुशी रहने लगती है।